ओसवाल कच्ची घनी सरसों तेल, जो बना है राजस्थान की सौंधी मिट्टी में उपजी शुद्ध सरसों से। स्वाद और सेहत की जोड़ी कमाल, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ छवि। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के घुवारा के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ग्राउंड में आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने किसानों को मिलकर धोखा दिया, कहा कुछ और किया कुछ। कमलनाथ ने कहा था कि सरकार बनते ही 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी भाई साहब गोलमाल है, सब गोलमाल है। साथ ही सिंधिया ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, लेकिन कमलनाथ महिलाओं को आइटम समझते हैं। जन विरोधी नीति अपनाई और मेरी दादी को ललकारा था तो ग्वालियर में मेरी दादी ने जमीन पर आकर पीपी मिश्रा की सरकार को धूल चटाया था। और आज 54 वर्ष बाद जब दोबारा कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी नीति अपनाई तो सिंधिया परिवार का मुखिया का दायित्व बनता है कि जमीन पर उतरकर उस सरकार को धूल चटाने का काम। आज आपके सामने एक नौजवान खड़ा है आपके आशीर्वाद के लिए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सरपंच बनता है, जो व्यक्ति जिला पंचायत का सदस्य बनता है, जो व्यक्ति जनपद का सदस्य बनता है, क्या कोई भी व्यक्ति 15 महीने के अंदर अपना पद त्याग करता है? और आज कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि ये गद्दार है, कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया गद्दार है। प्रद्युम्न लोधी जैसा व्यक्ति जिसने आपके विकास के लिए, आपकी प्रगति के लिए अपनी विधायकी की कुर्बानी दे दी, मेरे भाई और बहनों, इस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करके देश में संदेश भेजने का काम हमको करना है। आज शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है मध्य प्रदेश में, बड़ा बलेरा का विकास और प्रगति के द्वार खुले हैं। और ये चुनाव मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव प्रद्युम्न लोधी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ललिता यादव का नहीं है, हरिशंकर जी का नहीं है, मल्खान सिंह जी का नहीं है। आपको समझना है ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव है। मेरे भाई और बहनों, पूरी देश की निगाह हमारे प्रदेश पर है। ये जंग है, ये लड़ाई है आपके इंसाफ के लिए, आपके ईमान के लिए, आपके प्रगति के लिए, आपके विकास के लिए, आपके भविष्य के लिए। और आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हाथ उठाकर आश्वासन दो कि आगामी 3 तारीख को मुट्ठी बांधकर कमर कसकर एक एक वोट आशीर्वाद समान प्रद्युम्न लोधी को दिया जाए और बड़ा उससे ज्यादा लंबा लकीर कांग्रेस की सरकार खींच के मध्य प्रदेश की जनता को देगी। ये मेरी सोच थी, मेरी बड़ी बात है। और आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस प्रद्युम्न को। आपने प्रजातंत्र के सेवा के मंदिर विधानसभा में प्रचंड बहुमत देकर आपों में भेजा। हमारी सोच थी विकास प्रगति की, और सरकार जो कमलनाथ जी की बनी, जिसका समर्थन भी मैंने किया था, वो लंबी लकीर
प्रगति और विकास की नहीं थी, लेकिन लंबी लकीर भ्रष्टाचार और बाधा खिलाड़ी की खींच के छोड़ दो। अरे मुझे तो बुंदेलखंड की ताली सुनाई देनी चाहिए, ताली बजा। बड़े उद्योगपति हैं कमलनाथ जी, हमने सोचा था कि बुंदेलखंड में उद्योग आएगा, निवेश आएगा, औद्योग तो एक भी स्थापित नहीं हुआ, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश में नया औद्योग कमलनाथ जी ने शुरू करवा दिया। उस औद्योग का नाम था ट्रांसफर औद्योग। सही है कि नहीं? कोई अगर खुदा ना करे किसी के घर में कोई बीमार हो जाए, कोई सरकारी कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए वल्लभ भवन जाए, तो बोली लगती थी, बोली सरकारी कर्मचारी के ट्रांसफर की बोली लगती थी। इधर से 10 लाख, बीच में से 20 लाख, इधर से 30 लाख। अरे ऐसे पुलिस के अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, इन वर्दी पहनने वाले लोगों का, कि एक हफ्ते में 4-4 बार एक पुलिस अफसर का ट्रांसफर हो गया बोली लग के। मेरे भाई और बहन, ट्रांसफर का उद्योग, शराब का व्यापार, अवैध उत्खनन, अरे इतना उद्योग अवैध उत्खनन का बनाया कि मेरे संभाग के बड़े मंत्री ने आपके ही टीवी चैनलों पर, आप लोगों को याद होगा मेरे मीडिया के भाइयों और बहनों, हाथ जोड़कर माफी मांगा मध्य प्रदेश की जनता से कि माफी हम मांगते हैं, अवैध उत्खनन हम रोक न पाए। अरे जिस मंत्रिमंडल का मंत्री माफी मांगे कि अवैध उत्खनन रोक न पाए, उस मुख्यमंत्री को उस कुर्सी पर बैठने का कारण नहीं बनता मेरे भाइयों और बहनों।